हम लोगों ने अपने गाड़ी की चारों लाइटें जलाई हुई और बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी। चलो जाओ आराम से जाओ, बाय 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 बाय। क्या खाना है नींबू? कम से कम दो हफ्ते इंतजार किया, आज जाके धूप आई है। हाँ यार। तो अब इसका शुभ मुहूर्त निकला आज। तो उसके ना ये हाल हो गया, मैं दिखाती हूँ आप लोग, ये हो गया हाल। जमाई राजा अपनी सास के लिए आज क्या लेकर आए? आराम से आराम से। गुड मॉर्निंग, कोहरा देख लो कैसा हो रहा है गाइस। और ये गलियों के हाल है तो हाईवे के क्या ही हाल हो रहेंगे। गुड मॉर्निंग बाय द वे आप सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जा रहे हैं अभी प्रगति मैदान, मेरे जो जमाई हैं हमारे जो ममता के हस्बैंड वो गाँव जा रहे हैं किसी काम से, तो सामान वामान भेजना है कुछ गाँव के लिए, तो इसलिए मैं और हेमंत जा रहे हैं यहाँ से सामान छोड़ने के। सुबह के बज रहे हैं 6 और हाल ये है देखो, यहाँ का तो फिर भी कम लग रहा है भाई, ऐसा हो रहा है देख लो हाल सुबह सुबह, मतलब ये कैमरे में तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि दिखाई दे रहा है, बट सच में बताऊँ ना अगर सामने से तो देखो ऐसे हाल हो रखे हैं। और मुझे लगता है हेमंत के साथ मुझे भी आना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोहरे में क्या ही देखेगा यार, इसकी तो वैसे ही आई साइड इतनी वीक है। गाइस ये हाल देख रहे हो फ्लाईओवर का, मुझे कैमरे में तो ऐसा लग रहा है कि फिर भी थोड़ी विजिबिलिटी है, सामने से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम लोगों ने अपने गाड़ी की चारों लाइटें जलाई हुई और बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है जो आपको दिखाई दे रही ना, ये हमारी गाड़ी की लाइट है तो जाके इतनी रोड हल्की हल्की दिखाई दे रही है। अगर हेमंत लाइट बंद कर देना तो कोई नहीं कह सकता कि ये रोड है। और भाई इतना डर है ना इस समय चलाने में, इसलिए मैं हेमंत के साथ आ गई। चलो दो लोगों को तो आँख कम से कम देख सकते हैं भाई, बहुत बेकार हो गया यार। दिल्ली में जो सुबह सुबह जाते हैं ना उनके लिए तो रोना और क्या है। तो ट्रैवल करते हैं मतलब कहीं भी, मतलब जैसे यही लोग जा रहे हैं, इतना मुश्किल है देखा पूरे, क्योंकि वही तो सुबह तो निकलना बेकार है यार, दिन में ही निकल जाओ तभी जान के खतरा बहुत ज्यादा है इस समय, बहुत ज्यादा रिस्क तो रहता ही है। बाबरी मैं तो हेमंत डर गई, हेमंत कोहरा देख के मैंने कहा हेमंत ये तो ऐसे वैसे पिछले साल गाँव को गए थे तो हालत खराब हुई डर के मारे। ये गए रोहित लोग। इधर को बिल्कुल फॉग नहीं गाइस, नई दिल्ली की तरफ को, हमारे वहाँ को तो बहुत बुरे हाल है, यहाँ तो साफ हो रहा है, इनको ज़्यादा नहीं मिला। हमारे वहाँ को खेत है ना इसलिए ज्यादा होता है, यहाँ को तो साफ हो रहा है देखो पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी तो कम ही हो जाएगा 7 बज रहे। चलो चलो जाओ आराम से जाओ, बाय 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 बाय। आज हमारे घर में बन रहा है पहाड़ी नींबू, मम्मी यहाँ पर नींबू क्या हुआ? ओ नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, गंदी बात। ये मम्मी कह रही है कि संतरा छोड़ के नींबू खाने में लगा हुआ है ये, और उसकी सहेलियाँ उधर से बैठ के उसके साथ बैठी हुई है, यहाँ से देख रही हैं उसको, तो तब से ये मम्मी के साथ खेलने में लगा हुआ था, अभी उधर के उनके साथ खेल कर आ रहा है। नींबू के साथ आज मम्मी ने डाला है इसमें संतरा, अनार और क्या है सेब डालोगे भी, सेब से मम्मी कह रही है कि पड़ोसी को भी दूंगी तो थोड़ा चाय बना दी, तो अभी दो नींबू लेकर आई थी गांव से, दोनों एक साथ ही सान रही है। और यहाँ पर मैं बना के लाई हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ पेस्ट, इसमें है हरा धनिया, हरी मिर्च, भांग और जीरा, ये सब पीस के मैं ले आई हूँ ताकि उसमें डालने के काम आ जाए। और हेमंत एज़ यूजल जैसा कि हमेशा ये दिखाई देता है वो हो गई उसकी गाड़ी, होगी देखो सुबह से गाड़ी खोल के बैठा हुआ है और 2 घंटे हो गए मतलब हेमंत की गाड़ी साफ़ नहीं हुई है। और हम लोग यहाँ पर अपना नींबू सान है मस्त, अभी खाएंगे। वैसे तो आज धूप नहीं है, आप लोग देख लो हल्की हल्की धूप बची हुई है, 2 बज गए होंगे, हमारे 6 से धूप पूरी तरह जा चुकी है, देखो इधर को कोई धूप नहीं है। तो मैंने मम्मी से कहा आज क्या हुआ कि सुबह हम लोग गए थे ना रोहित लोगों को सामान देने के लिए, तो नींद उसके बाद हम आके सो गए थे, तो मम्मी तो उड़ गई थी, मम्मी से मैंने कहा तुम आलू के पराठे बना दो और हम लोग सो गए थे, हम लोग उठे 10:30 बजे करीब, तो इस वजह से हमारा सारा काम लेट हो रहा है, तो हमारा जो नाश्ता है वो 11:30 बजे होता है, इसलिए हम आज दिन में जो अपना लंच है वो स्किप करके, हाँ तो तभी तो बना दो फिर यही खा लेंगे ना, दिन में लंच नहीं बनाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा क्या है मम्मी? क्या पता अभी पहले इनको खा ले, तो काट दो अगर नहीं होगा तो ये बनाना वरना मत बनाना ठीक है। यहाँ देखो इधर आओ तुम। क्या खाना है तेरे को? वो खा रहा है नींबू, नींबू खा रहा है, फ्रूट्स नहीं खा रहा, फ्रूट्स नींबू खाना है, मैं तेरे नींबू खिलाता हूँ, उसको लेके भाग और पीछे भागूंगा, मेरे पीछे तुम भाग। मम्मी देखा बगल में कनिका लोग आए उनके साथ भी नहीं खेल रहा आज, ये देख जरा ये मम्मी के पास देख कैसे परेशान करने वाला है। नो रहेंगी नहीं, इधर आ जा पापा, कह पापा कह मम्मी आज खाने को मिल रहा उसको आज बढ़िया, देख देख कैसे करेगा, देखना इधर इधर मांग रहा है देख करके, रंगो क्या चाहिए बेटू? गुड़
रंगो क्या चाहिए? सब जगह से घूम पूरा खुशने की कोशिश। अपना खाना खाओ। नहीं मानेगा वो, चाहे कुछ कर लो नहीं मानेगा। अभी हाथ चढ़ाऊंगी देखो उसको। रेवा मत कर बेटा, अभी हाथ चढ़ाऊंगी, रुक जा मेरे को ना बनाने दे पहले। आजा 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 पापा के, पापा के ले। शिफ्ट चेंज हो गई है क्योंकि रेंगो मम्मी को करने नहीं दे रहा। मम्मी के हाथ में लगा है गुड़, मम्मी के पीछे देखो 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 साफ भी नहीं करने दे रहा है। देखो ये देखो, तो मम्मी के तू कर दे आ गया क्योंकि मेरे को डरता है ना, तो शायद मेरे पास ना आए शायद, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं। अभी मैं लगी इस पहाड़ी गुड़ को खाने के लिए हमने कम से कम 2 हफ्ते इंतजार किया, आज जाके धूप आई है। हाँ यार, तो अब इसका शुभ मुहूर्त निकला आज। धूप नहीं आ रही थी वैसे ना, ये जो पहाड़ी गायछा होता है उसमें टेस्टी होता है। गायछा मतलब जो छाछ को क्या होता है, मम्मी छाछ को कपड़े में बांध के जो उसका निकाला जाता है मोटा मोटा सा, समझ जाना जो भी समझ गया। तो वो था नहीं यहाँ पे, तो मैंने दही जमाई है, दही से ही काम चला लेते हैं। और क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही बन गई, लग रहा है कि ऐसा थाली भर करके खाएंगे आज हम लोग। ये जो ये होता बहुत टेस्टी है, लेकिन ये खाने का मजा तब जब ज़्यादा लोग हो, धूप हो और लोग ज़्यादा हो और थोड़ा थोड़ा मिले तब अच्छा लगता है। तो मन करता है यार थोड़ा और होता तो मज़ा आता। ये देखो नींबू खा रहा है। मम्मी कह रही है मध्य मध्य नींबू नहीं खाता है वो, उसको थोड़ा नींबू दिया वो चाट गया सारा नींबू। उसको कुछ भी दे दो। अरे नहीं उसमें वो है ना मीठा है ना उसमें, के लिए मना नहीं करेगा किसी चीज के। अरे क्यों नहीं करेगा, तब से सारे फूड फेंक दे उसने सारे चीजें। अभी उसमें क्या है काम का तो मम्मी किसी भी चीज का नहीं है। खाओ पियो सो शैतानी करो बस और कुछ नहीं, और हमको परेशान करो। हरी मिर्च नहीं काटी, काटी है ना, कम डाली लेकिन बहुत आती है मिर्ची। हम लोग आए हुए अभी चूटी की नगर। मम्मी का चश्मा यहाँ जो पहनती ना मम्मी नज़र का वो टूट गया है, तो उसके ना ये हाल होगा। देखो मैं दिखाती हूँ आप लोग, ये हो गया हाल। तो हेमंत और मम्मी को चश्मा बनाने के लाए, हेमंत की फेवरेट शॉप है, हेमंत चश्मे सारे यहीं से बनाते हैं। यहाँ पे जीटीबी नगर के पास एक अच्छा खासा शॉप है ये, तो मैंने कहा ये बना के ले आती हूँ जरा। मम्मी से मैंने कहा रेंगो के सामने बैठा, तब तक हम बना के लाते हैं। तो अभी मैं इसको दिखा देख के आती हूँ कैसे यहाँ पर। ये हो गया हमारा चश्मा सही, 20 रुपए में, 20 रुपए में। एक दुकान में गई थी अपने घर के आसपास, उसने बोला कि नहीं जी पूरा फ्रेम ही चेंज होगा। तो हे मैंने कहा नहीं मैं अपने वाले के पास ही ले आऊंगा, वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा विश्वास होता है। तो हम लोग अपने वाले के पास ही आए और उन्होंने 20 रुपए में चश्मा मम्मी का ठीक करके दे दिया। अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा था कि मैं नींबू खाया था, मैं दिमाग लंच नहीं बनाया था, तो इसीलिए मैं और हेमंत जा रहे पिज़्ज़ा लेने के लिए, क्योंकि शाम को चाय के साथ पिज़्ज़ा खा लेंगे। लंच तो किया नहीं, भूख भी लगी जाएगी, जब 3:30 बजी गए हैं तो 5 बजे तक कुछ खा लेते हैं। तो अभी यहीं से पास हम लोग पिज़्ज़ा टेक अवे कर लेते हैं, उसके बाद फिर घर जाकर उसको मम्मी के साथ आराम से खाएंगे। तो यहाँ खाएंगे तो मम्मी कैसे खाएगी, फिर तो टेक अवे करके लेके आते हैं। ये मुझसे नाराज हो गया आज, मैं उसको आधे घंटे के छोड़ के गई ना। ये ऐसा पता नहीं क्यों करता है यार, ये थोड़े देर छोड़ के आके नाराज होता है ना। क्या दिक्कत है, ऐसे किसी छोटे बच्चों की तरह नाराज हो जाता है तो है। अब तो बड़ा बच्चा हो गया है, कोई बड़ा बच्चा नहीं होगा, और छोटा होता है जितना बड़ा हो रहा है। पहले जो कुछ नहीं करता था, और यहाँ हमारे ठंडे हो गए, ऐसे हो गए बर्फीले, हम ट्रैफिक में फंस गए थे तब तक हवा लगी और एकदम चिल्ड हो गया। तो हेमंत ने गर्म करने को रख रखा है, यहाँ पीयूष भी आया हुआ है, किधर है पता नहीं, गायब हो गया। तो ये रहा इसको, रुक जा मेरा तैयार हो जाता हूँ भाभी, एकदम स्मार्ट बन जाता हूँ। इधर मम्मी है, थक गई होगी अब थोड़ा सा, अपने दोस्तों से सहेलियों से बतियाएगी थोड़ी देर। मम्मी को दे दो चाय बना लो, चाय चाय चाय। भाई मम्मी की और रेंगू की लड़ाई चल रही है, अभी भयंकर लड़ाई चल रही है तब से, ये देखो। और यहाँ जमाई राजा अपनी सास के लिए आज क्या लेकर आए, आराम से आराम से। नो 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 नो, हेमंत लाया है आज सबके लिए चाउमीन बना के, चाउमीन दिखाओ। अच्छा ये रहा हेमंत के चाउमीन, थोड़ा सा एक दो लाइट और तो थोड़ा अच्छे से आता, लेकिन कोई बात नहीं, गरीबी में इतना ही चलता है। इतने रेंगो से लेनी बेटू, मम्मा दादी के नानी के लिए, नानी के लिए मम्मी ऐसा खाना देगा तुमको, ये उसको उधर करो तब खाने देगा वो। दिख तो काफी सही रहे हेमंत, मम्मी के लिए सॉस ले, मम्मी सॉस। अरे इतना तो खाओ, अरे खा लो कुछ नहीं होता, अरे खा लो हेमंत।
सासु माँ सेइंग कि कम कर दो, मैं से नहीं खाया जाएगा इतना तुम्हारा मोए 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 हो गया, वही लग रही तुम्हारा मोए मोए हो गया, थोड़ा कम कर दो, क्या पता मम्मी को समझ ना आ रहा हो अभी, थोड़ा कम कर दो फिर मेरे को दे दो, ये दूसरा दे दो मम्मी के लिए, चलो चलो ठीक है ओके, चलो अब मैं इसके साथ व्लॉग का एंड भी कर दूँ, गुड नाइट, हम अपनी ये चाउमीन इंजॉय करें, आज हेमंत ने मेरे लिए बनाया, क्योंकि 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 रुक जाओ मैं खुद ही कर लेती हूँ यार एक सेकेंड, क्योंकि मैं तब तक छत में इतनी ठंड में कपड़े धो रही थी, तो हेमंत ने कहा कि मैं बनाया हूँ खाना कुछ, आज मम्मी के जाने का टाइम भी है, परसों मम्मी को निकलना भी है, तो सुना कि मम्मी के जाने से मैं मम्मी को एक बार अपने हाथ की चाउमीन खिला देता हूँ, तो इसलिए हेमंत ने आज ये काम करा था, मैं छत का काम ऐसे तो शेफ होते हैं हमारे यहाँ जो एक काम ही सही से नहीं करते, चलो ठीक है बाय बाय।